अरे तेरी भैंस का कटड़ा मर गया तो मैं क्या करूं, अड्डा रोड़ी में दे दे उसको। और मेरी बात सुने, दोबारा यहां पे कॉल कर दिया तो भैंस का कटड़ा तेरा बना के अंदर हवालात में डाल दूंगा, हराम खोर। अबे तुझे मैंने क्या, रसगुल्ला, जलेबी, रसमलाई, अबे आराम खोर, ये हलवाई की दुकान दिखती है तुझे। मैं थाने से बोल रहा हूं, हवलदार मटरू सिंह। राम खोर, हम तो और ही मिठाई खिलाते हैं यहाँ पे हवालात में। फोन जल्दी से। अबे और रसगुल्ले वाले हैं फेरे, अरे वो तो नहीं हुए अभी मेरे। राम खोर, तू फेरों की बात कर रहा है, मैं तेरे को पंडित दिख रहा हूं? अच्छा मैं मजाक कर रहा हूं, मैं पंडित पुरुषोत्तम दास बोल रहा हूं। राम खोर, मैं थाने से मटरू सिंह बोल रहा हूं। हम तो और ही फेरे कराओ थाने में, आजा तेरे भी 4 फेरे फालतू करवा दूंगा। मेरी बात सुन, दोबारा फोन कर दिया तो। लड़की को गुम कर देते हैं कुंभ के मेले में और गले में बांध देते हैं काला ताबीज। ओ ताऊ, कौन है तू और कैसे आना हुआ यहां? मैं हूं एक फिल्म राइटर। तो ताऊ यहां कौन सा तू कागज लेने आया है? तेरे को फिल्म लिखनी है तो किसी सुनसान जगह पे जा, यहां तो पंगे ही पंगे हैं। कभी इसका चालान करो, कभी उसका चालान करो, कभी मंत्री जी का फोन आ गया, ये मेरा आदमी है इसको नहीं पकड़ना, कभी बड़े साहब का फोन आ गया, इसको अंदर करो, ऊपर से प्रेशर आ गया, गवर्नमेंट का प्रेशर आ गया, मुख्यमंत्री की सिफारिशें आ गई, कभी किसी के घर चोरी हो गई, डाका पड़ गया, लूट पड़ गई, मारकाट का केस बनाओ, ये करो, रिश्वत का काम होता है और होता है, ऊपर के नीचे के 100 काम होते हैं। तो वैसे एक बात है, तेरे को झूठे केस में फंसा के 5-6 महीने के लिए हवालात में डाल देता हूं, फिर तू आराम से वहां बैठ के अपनी फिल्में लिखना। होलदार जी, मेन बात ये है कि मेरी फिल्म की स्टोरी का हीरो एक पुलिस वाला ही है। अच्छा, मेरे जैसा सुंदर हट्टा कट्टा जवान गबरू? हाँ, बिल्कुल आपके जैसा ही। मैंने पुलिस के बारे में 2-4 सवाल पूछने थे, जिससे मेरे को पुलिस के बारे में जानकारी हो जाए। चलता हूँ फिर, लेट क्यों कर रहा है, पूछ पर्सन है। मेरा पहला सवाल ये है कि आप पुलिस में भर्ती कैसे हुए? ताऊ जी पुलिस में भर्ती? वो तो ताऊ जी याद नहीं, पर जब मैं इतना सा था तब से पुलिस में भर्ती हूं। आप भी कमाल करते हो होलदार साहब, इतना छोटा सा बच्चा पुलिस में भर्ती कैसे हो सकता है? पुलिस में भर्ती होने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र तो चाहिए। ताऊ जी बात यह है कि मुझे तो पुलिस वालों ने पाला है। मैं जब छोटा था ना तो मैं कुंभ के मेले में घूम गया था, मेरे घर वालों ने मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवा दी। आपको तो पता ही है ताऊ जी, कुंभ का मेला बार बार तो आता नहीं, हर साल तो आता नहीं। जब मैं मिला तो मेरे घर वाले घूम गए, तब से पुलिस वालों ने मुझे पाला है। मैं तो इसी ड्रेस में बड़ा हुआ हूं ताऊ जी। और आपको बताऊं ताऊ जी, आज पुलिस वाले ही मेरे सब कुछ हैं। मेरी माँ भी पुलिस, मेरा बाप भी पुलिस, चाचा भी पुलिस, चाची भी पुलिस, ताऊ भी पुलिस, ताई भी पुलिस, काका भी पुलिस, काकी भी पुलिस। ठीक है बलदार जी, मैं समझ गया। आपा इस सवाल को यहीं छोड़ देते हैं। ताऊ जी आपकी मर्जी, छोड़ दो, मगर मैं पुलिस नहीं छोड़ सकता, मेरा तो सब कुछ पुलिस ही है। अच्छा, ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप पढ़े लिखे कितने हो? पढ़े लिखे ताऊ
पढ़े लिखे का तो आप खुद ही हिसाब लगा लो। मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल था, फिर वो हाई स्कूल बन गया, फिर वो स्कूल सेकेंडरी स्कूल बन गया, और फिर वो सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया। अच्छा अच्छा, आप हायर सेकेंडरी तक पढ़े लिखे हो? अरे नहीं ताऊ जी, उस स्कूल में तो मैं कभी बढ़िया ही नहीं। तो जी मेरे गांव से मेरा ननियाल पड़ता है 40 किलोमीटर दूर, और जी मेरे नानी को रहती है बहुत तेज खांसी। मेरी माँ को रोजाना 40 किलोमीटर दूर ननियाल जाना पड़ता था, और जी मेरे गांव से बस चलती थी सिर्फ दो, एक तो 12 बजे और एक 2:30 बजे। होलदार साहब, मैं आपकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहा हूं, और आप मुझे 2:30 वाली बस में भेजना चाहते हो क्या? वैसे ताऊ जी आपको एक बात बताऊं, कभी कभी बस लेट भी हो जाती है। इस प्रश्न को भी यहीं छोड़ो, मैं तो चलता हूं, मुझे तो कोई सुनसान जगह पर देख के अपनी स्टोरी लिखनी है जयराम जी की। ओ जाओ जाओ ताऊ जी, वैसे भी मेरा टाइम बहुत कीमती है, चल रहे थे मुझे हीरो बनाने, पता नहीं मैं तो पहले से हीरो हूं, मटरू की नौटंकी नहीं देखी भाइयों।